टुडे विल बी टीच इंग्लिश इंग्लिश मैरी गोल्ड। आज हम यूनिट 3 का पार्ट 2 में द वाइंड एंड द सन चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, इसके पहले मैं स्माइल चैप्टर मैंने आपको स्मेल एक्सप्लेन किया था, उसके बाद वाइंड वाइंड एंड सन। कैन यू सी दैट मैन? वाइंड सन को बोलता है कि उस आदमी को तुम देख रहे हो वॉकिंग डाउन द रोड, जो रोड पर चल रहा है। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू, मैं इससे इसका कोट उतरवा सकता हूँ तुमसे पहले। ओके, तो सन स्माइलिंग, सन क्या करने लगा, हंसने लगा। वी विल सी हु इज अ स्ट्रोंगर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, देखते हैं कि कौन स्ट्रोंगर है, मैं पहले ट्राई करता हूँ। ओके, वाइंड पफिंग इज चीक्स एंड ब्लोविंग हार्ड, वो वो वाइंड क्या करता है, अपने गाल फुला के और क्या करता है, जोर जोर से आवाज़ करता है, कैसी, वो वो। ओके, मैन हु स्ट्रोंग द वाइंड इज टुडे, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। मैन हाउ स्ट्रॉन्ग इन द वाइंड टुडे, आज कितनी जोर जोर से हवा चल रही है, मेरा कोट मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा वरना वो निकल जाएगा। ओके, उसने क्या किया, अपना कोट टाइटली पकड़ के रखा। ओके, वाइंड ब्लोइंग हार्डर, वाइंड जोर जोर से चलने लगी, वो वो। मैन पफिंग इज कोट मोर टाइटली, मैन ने अपना कोट और टाइट से पकड़ लिया। हाउ कोल्ड इट इज, आज कितनी ठंड है। वाइंड आई सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं हार गया हूँ, मैं इसका कोट उतार नहीं पाया। सन नाउ इट इज़ माई टर्न, लेट मी ट्राई, अब मेरी बारी, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, उसके बाद ही साइंस हार्ड, सन क्या करने लगा, बहुत जोरों से चमकने, बहुत जोरों से शाइन करने लगा, धूप देने लगा। मैन वॉट अ फनी डे, आज कितना फनी डे है, आई वॉज सो कोल्ड, आज अभी कितनी ठंडी थी, नाउ इट इज़ हॉट, और अभी कितनी गर्मी होने लगी। सन साइनिंग हार्डर, सन क्या करने लगा, हार्डर साइन करने लगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, यानी वो उसको और गर्म फील करवाने लगा। मैन वीपिंग द फेस, अपना मुंह पोंछने लगा। आई मस्ट टेक माय कोट, उसने अपना टेक कोट उतार दिया, इतनी उसको गर्मी लगने लगी। सन वाइंड आई हैव वॉन, आई हैव मैन हिम टेक ऑफ हिज कोट, यानी मैं जीत गया हूँ, मैंने उसका कोट उतरवा दिया। ओके चिल्ड्रन, ये है द वाइंड एंड द सन का चैप्टर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम वर्क बुक में समझेंगे, राइट और करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। व्हाट डिड द वाइट वाइंड व्हाट टू डू, वाइंड क्या कर रही, क्या करना चाहती थी, तो गेट द मैंस कोट ऑफ द मैन का कोट उतरवाना चाहती थी। ओके ओके, तो इसमें क्या आएगा, ए हाउ डिड द वाइंड ब्लो, वाइंड कैसे चल रही थी, वू वू। ओके, व्हेन द वाइंड वॉज ब्लोइंग द मैन फेल्ट तो कोल्ड, व्हेन द वाइंड वॉज ब्लोइंग द मैन तो पुल्ड हिज कोट टाइटली, उसने अपना कोल्ड कैसे पकड़ा था, टाइटली। व्हेन द सन वॉज शाइनिंग द मैन फेल्ट तो हॉट, जब सन शाइनिंग कर रहा था तो कैसा मैन फेल कर रहा था, हॉट फेल कर रहा था। ओके, फील कर रहा था। उसके बाद व्हेन द सन वॉज शाइनिंग द मैन टुक हिज ऑफ हिज कोट, जब सब साइन कर रहा था तो उसने अपना कोट उतार दिया था। हु वॉन इन द एंड, कौन जीता था लास्ट में, सन। ओके, हु सेड दिस रू हुम, ये किसने बोला वो हमको देखना है, किसने किसको बोला। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, तो द सन द वाइंड सेड टू द सन, वाइंड किससे कहती है, सन से। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, तो उसके बाद कुछ ने फर्स्ट, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, तो द सन सेड द वाइंड, सन किसको कहता है, वाइंड को, कि अब तुम ट्राई करो, ठीक है। हाउ कोल्ड इट इज़ द मैन सेड दिस, आई कैन नॉट गेट हिज कोट, द वाइंड कहता है किससे, सन से। वॉट अ फनी डे, द मैन सेड दिस, द मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, द सन सेड टू द वाइंड, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, द मैन सेड दिस। ओके, आई हैव वॉन, कौन जीता है, द सन सेड टू द वाइंड। ओके, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, वन डे द वाइंड एंड द सन कंपटीशन एंड दे वॉन्टेड टू मेक ऑफ टेक ऑफ कोट, फर्स्ट द वाइंड ब्लू हार्ड, द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली हिमसेल्फ, द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड एंड फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट। ये अपने को लेसन के ऊपर से पैराग्राफ दिया है, आपको ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर दिया है, वो आपको चूज करके भरना है। ओके,
उसके बाद आपको 3-3 राइमिंग वर्ड लिखना है, फैन मैन गैन फैन, गोट बोट कोट पोट, मैन फैन वैन कैन, शोल्ड फोल्ड कोल्ड होल्ड, बे पे शे ले। ओके, ये आपको HW में करना है। क्या करना है आपको, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट एक्शन फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ पे पूरे एक्शन दिए हुए हैं, पिक्चर दी हुई और उसके ऊपर नाम दिया, आपको इधर चूज चूज करके लिखना है। ओके, ये आपको ये पेज भी HW में ही करना है। उसके बाद आपको ये भी अपने आप ही करना है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द अपोजिट यूजिंग द वर्ड। पिक्चर देख के आपको अपोजिट लिखना है कि पिक्चर बिग है तो यहाँ पे बिग और पिक्चर स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल। ऊपर आपको इसके आंसर दिए हुए आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना है, आपको ये पेज भी कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, ये पेज भी आपको कंप्लीट करना है और ये भी। उसके बाद आपको ये कर्सिव राइटिंग लिखनी है, मैन फैन पेन कैन, नीचे पूरा पेज कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हॉट पॉट कॉट डॉट, ये आपको पूरा पेज नीचे तक कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद आपको पिक्चर देख के लिखना है कि किसकी पिक्चर है, नी की तो ऊपर स्पेलिंग दी हुई, नी थम वॉच कॉम लैम नीप, ये आपको सब ऊपर स्पेलिंग दी हुई आपको ढूंढ के लिखना है। मैंने लिख के आपको बताया है ये किसकी पिक्चर है, वॉच तो यहाँ पे वॉच लिखेंगे, वॉश व्हील। ओके, जिसकी पिक्चर दी हुई है उसका नाम अपन ऊपर से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, ये भी आपको मैंने करके दिखा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है, जॉब मॉप टॉप कॉट कॉड पॉड रॉड नॉड, फॉग लॉक डॉग टॉग पॉप टॉप हॉप मॉप लॉट पॉट कॉट डॉट। ओके, ये आपको दी हुई है, लिसन एंड रिपीट, ये आपको पोयम दी हुई है, आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद पोयम के ऊपर से यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, रीड द पोयम फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेंट एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है काइट्स फ्लाई, काइट्स क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, लीव्स ब्लो कर रहे हैं, और बोट सेल एंड फ्लैग फ्लैप। ओके, यहाँ पे अपोजिट रीड द पोयम फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट इज द अंडरलाइन वर्ड, द वाइंड इज स्लो द वाइंड इज फास्ट, यानी वाइंड स्लो है तो उसका अपोजिट फास्ट, द वाइंड इज जेंटल एंड द वाइंड इज स्ट्रॉन्ग। ओके, इसका अपोजिट लिखना है, और ना हॉट डे द वाइंड इज कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड है तो उसका क्या लिखेंगे, हॉट, द वेदर इज वाइंडली तो यस, काइट्स ब्लो या रॉन्ग, बोट सेल राइट, एंड ऑन हॉट डे द वाइंड इन कूल यस। ओके, आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, यहाँ से हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। आपको ये पूरा चैप्टर अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूँगी। थैंक यू चिल्ड्रन।